निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इसका व्रत रखने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल मिल जाता है। विधान, यह व्रत नर एवं नारियों दोनों को करना चाहिए। जलपान के निषिद्ध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके गोदान, वस्त्र दान, छत्र, फल आदि का दान करना चाहिए। कथा, एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा न हो और उन सब का फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में ब्रक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है।